हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। सो आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है हमारा आर्मर अपग्रेड करने जा रहे हैं। सो यहाँ पे जो है ये हमारा डायमंड का आर्मर है। ये हमारे बूट्स बहुत बढ़िया है एंड बाकी का आर्मर एकदम नॉर्मल प्रोटेक्शन 2 वाला है। सो आज मैं आपको दिखाता हूँ हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम लोग अपने स्टोरेज एरिया में एंड अभी जो है मैं सबसे पहले ऐसा करता हूँ, अपनी इन्वेंट्री थोड़ी सी खाली कर लेता हूँ मैं, क्योंकि डायमंड वगैरह माइनिंग कर रहा था एंड ये थोड़ी सी मैंने इससे फिशिंग भी की। सो मुझे लिली पैड वगैरह मिल गया, ये फिशेज मिल गई। ओके सो जल्दी से ठीक है। सो अभी जो है मैं आपको दिखाता हूँ एंड हाँ गाइस, मेरा 94 XP होता कैसे हुआ। अभी जो है एक ग्लिच आया है जिसके अंदर आपको ये रॉ आयरन स्मेल्ट करना होता है। जब ये आयरन इंगेट बन गया सो एक स्टैक से जो है इन दोनों को स्विच करते रहना है। सो बाद में जो है आपको इन्फिनिट XP मिल जाएगी। ये सिर्फ बेड रॉक एडिशन में काम करता है सो आप देख सकते हो। एंड अभी जो है थॉर्न्स एंड मैंने प्रोटेक्शन 4 वाली बुक ले रखी है। सो प्रोटेक्शन 4 मैंने चारों के लिए ले रखी है, थॉर्न की बूट्स, लेगिंग्स, चेस्ट प्लेट एंड हेलमेट, चारों के लिए ले रखी है। एंड लेकिन थॉर्न मुझे 3 ही मिली, मेरे पास इतने एमराल्ड्स नहीं थे। सो हम लोग जो है जल्दी से लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बूट्स पे मैं प्रोटेक्शन 4 लगा देता हूँ, ठीक है। प्रोटेक्शन 3 ऑलरेडी है सो ये हो गए प्रोटेक्शन 4 के। अभी जो है हम लोगों को लैगिंग एंड ये सब कुछ, चेस्ट प्लेट, हेलमेट वगैरह, अभी हेलमेट पे प्रोटेक्शन 4 लगा देता हूँ। सो ये लग गया। देन हम लोगों को हेलमेट पे थॉर्न्स लगा देनी है सो ये भी हो गया। एंड हमारे पास 77 XP बची है, बहुत ज़्यादा बची है। सो प्रोटेक्शन 4, देन हम लोग थॉर्न्स 3 लगाना है, देन इस पे भी प्रोटेक्शन 4 एंड थॉर्न्स 3। अभी हम लोग अनब्रेकिंग वगैरह का भी देखेंगे एंड मुझे एक और चीज़ दिखानी थी, नहीं एक्चुअल मैं 2 चीज़ें और दिखानी थी। फैदर फॉलिंग लगा तो होगा मैं क्यों। सो यहाँ पे नीचे जाके जो है मैं अपने घर से वैसे ही डिग डाउन कर रहा था नीचे की तरफ को एंड मुझे एक चीज़ मिली है, मैं आपको दिखाता हूँ। स्पॉनर है बेसिकली एंड ये कौन सा स्पॉनर है, ये ज़ोंबी वाला स्पॉनर है एंड चेस्ट में से मैंने लूट भी नहीं करी, मतलब। सो ये जो है मैं जल्दी से ले लेता हूँ, ठीक है। सो ये ज़ोंबी का स्पॉनर मिला है मुझे एंड मुझे पता है पीसफुल है, स्टिल मैंने जो है ऐसे लाइटें लगा रही हैं। सो हम लोग जो है इसका भी कर सकते हैं कुछ। एंड पता नहीं कैसे मैं एकदम डिग डाउन कर रहा था एंड मुझे ये मिल गया एंड चेस्ट भी नहीं मैंने खोली थी अभी तक। सो ये हम लोग जो है अगली वीडियो में मे बी हम लोग ये भी बना सकते हैं। सो हम लोग ये भी देखेंगे एंड एक विलेजर भी मुझे दिखाना था आपको, जो कि मुझे खुद 1 घंटा लग गया उसको लाते लाते, उसको जॉब देते देते। सो मैं आपको दिखाता हूँ क्या है वो। सो यहाँ पे अगर हम लोग विलेजर हॉल में जाते हैं, ये मैंने जो है मैं जब इधर किधर केव के अंदर गया तब जो है मुझे ग्लोस ऐसे जो है पानी दिखा एंड वहाँ पे इतनी ग्लो स्क्विड स्पॉन हुई जा रही थी। सो मैंने यहाँ पे ग्लो इंसेक्ट ला के इसको कलर कर दिया। एंड अभी जो है मैं दिखाता हूँ आपको मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये नहीं है। ओके सो ये भी नहीं है थॉर्न्स वाला, ये तो ठीक है। सो मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, ये हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है ये मुझे लगता है। सो या मैंने जो है मेंडिंग वाला विलेजर बहुत देर के बाद इसने जॉब ली एंड फाइनली मुझे जो है मेंडिंग वाला विलेजर मिल चुका है। सो अभी जो है देखो ये सब पे मेंडिंग लगानी, सबसे पहले जो है हेलमेट पे लगानी है, बिकॉज देखो हेलमेट पे जो है
ये इसकी एचपी बहुत जल्दी जल्दी जा रही है, सो इस पे लगाएंगे हम लोग जल्दी। एंड मुझे जो है एक चीज और दिखानी थी, सो वो नीचे ही होगी। सो मैं जो है और चीज़ें भी करके आया था, मैं जल्दी से जो है आपको दिखाता हूँ। सो एक तो मैं जो है ये सैम्पलिंग्स लेकर आया था, एंड मेरे पास डार्क ओक भी होगी ना, ये मैंने रख दी थी, ये रही डार्क ओक सैम्पलिंग्स। सो ये मैं बहुत दूर जाके लेकर आया था, एंड जो है मुझे वहाँ पे ये भी मिला, कहा गया नेम टैग। सो बेसिकली मैं जो है इतनी दूर जाके, हज़ारों 2000 ब्लॉक दूर जाके, सो मैं जो है ये सब कुछ लेकर आया। एंड जो है वहाँ पे मुझे शिपरैक मिली, वहाँ से मुझे बरेड ट्रेजर मैप मिला, एंड वहाँ से मुझे ये जो चेस्ट होती है ये मिली, एंड वहाँ से मुझे नेम टैग मिला। सो या एंड मुझे अभी जो है ये मुझे जो सैडल, एंड ये देखो यहाँ पे भी अभी इसने छत्ता बना लिया, मतलब मैं कहीं पे भी पेड़ उगाता हूँ वहाँ पे ये छत्ता बना लेते हैं। सो हमारा जो ये वाइट वाला हॉर्स है ये मेरा ऑलरेडी बेस्ट फ्रेंड है, सो इसको जो है मैं ये एंड ये दोनों चीज़ें पकड़ा देता हूँ। एंड हम लोगों के पास एक हॉर्स आ चुका है, सो आप बताना कि इसके लिए क्या हम लोग एक छोटा सा घर बनाएं। ये क्या जब मारता तो मेरा एक्सपी ब्लू क्यों हो जाता है, देखो पता नहीं भाई। सो इसको नीचे ले जाते हैं, एंड मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। ये हमारा सीक्रेट चेस्ट एरिया आई थिंक है, एंड यहाँ पे मैं रख देता हूँ इसको। अगर हम लोग किसी भी सफ़र पे जाना होगा हम लोग अपने हॉर्स को लेकर जा सकते हैं, एंड हम लोग जो है इसको नेम टैग भी दे सकते हैं। सो या एंड आज हमारा फाइनली आर्मर जो है थोड़ा सा बढ़िया हो गया। लाइक वैसे मुझे जो है अभी नैदराइट की भी माइनिंग करनी है, सो अभी मैं इतना जल्दी नैदराइट नहीं माइन करने वाला, हम लोग बहुत लेट करेंगे अभी, तो थोड़ा सा डिले करेंगे। एंड फिर जो है तब तक जो है हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बनाए, जैसे हमारे ये इतना बड़ा घर है, एंड ये बहुत बढ़िया लगता है मुझे। लेकिन अभी जो है मैं कासल बनाने की भी तैयारी कर रहा हूँ, सो या जल्दी आई थिंक हम लोग कासल भी बनाने वाले हैं यहाँ पे, यहाँ हमारे सर्वाइवल वर्ल्ड में। एंड बाकी हम लोग पहले बहुत सारे स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाएंगे, जैसे यहाँ पे फूड फार्म हमारा है, यहाँ पे हमारा घर है, वो हमारा विलेजर हॉल है, ऐसे हम लोग बहुत चीज़ें बनाएंगे। सो या अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई, सो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।